आज़ादी के इस महापर्व स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर H7 न्यूज की ओर से इस काव्य उत्सव में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी हमारे जो दर्शक हैं उनको आज स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हमारे इस चैनल की ओर से, हमारे इस काव्य उत्सव की ओर से। आइए आज स्वतंत्रता दिवस की शाम को हम कवियों के साथ आपके बीच हैं और कवियों के माध्यम से की अलग को जगाएंगे, राष्ट्र की अलग को जगाएंगे। ये कवि सभी अपनी कविताओं के माध्यम से आपके बीच पहुंचेंगे। आइए मैं इस कवि सम्मेलन की शुरुआत करूँ, इस कवि सम्मेलन को शुरू करूँ। उससे पहले मुझे कमल मनोहर राजस्थान के कवि हैं, उनकी कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं। सत्य सनातन प्रेम की परिपाटी मिले, सत्य सनातन प्रेम की परिपाटी मिले, कलाम का जज्बा मिले, प्रताप की हल्दी घाटी मिले। मेरे ईश्वर मेरे अल्लाह तुझसे मांगता हूँ ये, मेरे ईश्वर मेरे अल्लाह तुझसे मांगता हूँ ये कि जब भी जन्म मिले भारत की माटी मिले, जब भी जन्म मिले भारत की माटी मिले। इस उद्देश्य के साथ, इसके साथ आइए इस कवि सम्मेलन की शुरुआत करते हैं। हमारे बीच हमारे बहुत अच्छे गीतकार भाई गोविंद गजब जी हमारे बीच में हैं। आप उनके गीतों को सुनेंगे और उनके गीतों को निश्चित रूप से आप सराहने को मजबूर होंगे। मैं भाई गोविंद गजब से अनुरोध करता हूं कि आज की शाम अपने गीतों से सभी को परिचित कराएं। भाई गोविंद गजब जी, बहुत बहुत आभार भाई योगेंद्र जी, और बहुत बहुत आभार H7 न्यूज का। आप, मैं डॉक्टर गोविंद गजब रायबरेली उत्तर प्रदेश से आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। सबसे पहले हमारे समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक चार पंक्तियां अपने आराध्य के लिए जहां से मंचों की शुरुआत करता हूं, स्वागत है, और उसके बाद में मैं सीधे काव्य पाठ करता हूं। दो गीत आपके समक्ष रखता हूं। स्वागत है। निकलता हूं जब भी घर से, संग उनकी दुआ लेकर, और चलते हुए उनकी चरण रज चूम लेता हूँ। कभी जब मन करे मेरा, चलो मैं तीर्थ कराऊं। कभी जब मन करे मेरा, चलो मैं तीर्थ कराऊं। तुम्हें माँ बाप के चारों तरफ बस घूम लेता, बहुत अच्छा। तो मैं माँ बाप के चारों तरफ बस घूम लेता, बहुत सुंदर। ये मेरी पूजा का मुक्तक, और इसके बाद मैं काव्य पाठ की शुरुआत करता हूँ। हमारे देश में बीच में कुछ लोगों ने कहा कि हम भारत माता की जय नहीं कहेंगे, वहीं से इस गीत को उठाता हूँ, आप सभी के समक्ष रखता हूँ। स्वागत। बहुत हो चुकी शांति सुलह, अब सही नहीं जाती है पीर। तुम उठो लक्ष्य संधान करो, और सज्ज करो अपने तुणी। यदि बहता रक्त सिराओं में, तो कर लो फिर यह दृढ़ निश्चय। यदि बहता रक्त सिराओं में, तो कर लो फिर यह दृढ़ निश्चय। जिसको भारत में रहना है, बोले भारत माता की जय। जिसको भारत में रहना है, बोले भारत माता की जय। तुम सिंह भरत के वंशज हो, तुम परशुराम के अनुयायी हो, राम धनुर्धारी तुम हे, तुम हे कान्हा की परछाई। तुम वीर शिवा शेखर सुभाष, तुम भगत सिंह हो बलिदानी, तुम हो प्रताप से अमर वीर, गुरु गोविंद सिंह की कुर्बानी। बहुत अच्छा। तुम हो अशफाक हमीद तुम्ही, और तुम्ही बहादुर शाह जफर। तुम लक्ष्मी बाई मर्दानी, और तुम्ही पद्मिनी का जौहर। बहुत अच्छा। तुम बलशाली हो सिंह सरिस, तुम बलशाली हो सिंह सरिस, फिर बोलो तुमको किसका भय। जिसको भारत में रहना है, बोले भारत माता की जय। तुम ही खुद को है जुदा किए, तुमको समता का मान मिला,
तुमको तो माता के द्वारा निज सुत का सा सम्मान मिला, हमने तुमको भाई माना, फिर तुम मन में क्यों जहर भरे। कहता है धर्म कौन सा बोलो बेटा, माँ पर कहर कर। तुम जन्मे पले बढ़े इस पर और अन्न इसी का खाते हो, फिर भारत माँ की जय कहने में बोलो क्यों शर्माते हो। तुम ही बोलो फिर माँ को माँ, तुम ही बोलो फिर माँ को माँ, कहने में है कैसा संशय, जिसको भारत में रहना है बोले भारत माता की जय। बहुत अच्छा गोविंद भाई। वंदे मातरम गान करो, आपस में सब जन मेल करो, भारत के टुकड़े करने का अब बंद घिनौना खेल करो। वाह। यदि यहाँ शांति ना मिली तुम्हें तो कहीं नहीं फिर पाओगे, खुद की पहचान मिटा दोगे तुम जग में जहां भी जाओगे। आपस में भाईचारा हो, सब मैल दिलों के दूर करो, अब शस्त्र उठाने पर न हमें निज कृत्यों से मजबूर करो। यदि शस्त्र उठाना पड़ा गजब, यदि शस्त्र उठाना पड़ा गजब, तो आ जाएगी महाप्रलय, जिसको भारत में रहना है बोले भारत माता की। बहुत अच्छा। जिसको भारत में रहना है बोले भारत माता की जय। ये मेरा गीत भारत माता की जय पर। और एक दूसरा गीत, हमारे सैनिक जब शहीद होते हैं तो हम लोग इसे व्हाट्सएप फेसबुक पर जय हिंद या सैनिकों पर कुछ चार पंक्तियां लिखकर मान लेते हैं कि हमारे हमारा फर्ज पूरा हो गया, पर वो अपना फर्ज पूरा करने के लिए अपने जीवन मिटा देते हैं। उनके परिजनों पर क्या बीतती है, उनके अपने अपनों पर क्या बीतती है, मैंने वो दर्द लिखने का प्रयास किया है, आप सभी से बांटना चाहता हूँ। मौत थी सामने किंतु बढ़ते रहे, खुद से आगे हमेशा रखा है वतन, कर गए देश हित खुद का बलिदान तुम, ऐसे ही दो तुम मेरे लाखों नमन, ऐसे ही दो तुम्हें मेरे लाखों नमन। उम्र के मोड़ पर तुम गए छोड़ कर, कैसे जी पाएंगे हम तुम्हारे बिना। उम्र के मोड़ पर तुम गए छोड़ कर, कैसे जी पाएंगे हम तुम्हारे बिना। उम्र के मोड़ पर तुम गए छोड़ कर, कैसे जी पाएंगे हम तुम्हारे बिना। मेरी बढ़ती उम्र का थे एक आसरा, कैसे जी पाएंगे हम सहारे बिना। छिन गई है बुढ़ापे की लाठी मेरी, छिन गई है बुढ़ापे की लाठी मेरी, तुम गए तो गया हर सहारा ललन, कर गए देश हित खुद का बलिदान तुम, ऐसे ही दो तुम्हें मेरे लाखों नमन। आँख से आंसू हमने न आने दिए, रो पड़ी चूड़ियां रोया सिंदूर है। आँख से आंसू हमने न आने दिए, रो पड़ी चूड़ियां रोया सिंदूर है। रोये बिंदी वो मेहंदी महावर सभी, नैन का जल गया खो गया नूर है। सात जन्मों तलक साथ चलना था तो, सात जन्मों तलक साथ चलना था तो, राह में क्यों गए छोड़ कर तुम सजन। कर गए देश हित खुद का बलिदान तुम, ऐसे ही दो तुम्हें मेरे लाखों नमन। बाद बापू के बस आप ही एक थे, जिस पे खुद से भी ज्यादा भरोसा किया।
हर कमी पूर्ण की आपने है मेरी, कोई भी गम न हम तक है आने दिया। वाह, हो गया बेसहारा अनुज आपका, हो गया बेसहारा अनुज आपका। द्वार राखी लिए रोए छोटी बहन, कर गए देश हित खुद का बलिदान तुम। ऐसे ही दो तुम्हें मेरे लाखों नमन। वाह बहुत अच्छा। एक तुम्हारे सहारे रखा हर कदम, कौन उंगली पकड़ चलना सिखलाएगा। उलझनों से भरी है कठिन जिंदगी, कौन इसमें सही राह दिखलाएगा। मेरे जीवन के बगिया के माली थे तुम, मेरे जीवन के माली थे पापा तुम्ही। बिन तुम्हारे ये कैसे खिलेगा चमन, कर गए देश हित खुद का बलिदान तुम। ऐसे ही दो तुम्हें मेरे लाखों नमन। सारे नातों से बढ़कर रखा देश को, देश का ध्वज कभी भी न झुकने दिया। देश रक्षा को जब भी बढ़ाए कदम, अपने बढ़ते कदम फिर न रुकने दिया। मान रखा तिरंगे का तुमने सदा, मान रखा तिरंगे का तुमने सदा। ओढ़ कर आ गए अब तिरंगा कफन, कर गए देश हित खुद का बलिदान तुम। बहुत अच्छा अच्छा। ऐसे ही दो तुम्हें मेरे लाखों नमन, ऐसे ही दो तुम्हें मेरे लाखों नमन। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे भाई गोविंद गजब जी, अपने खूबसूरत गीतों से राष्ट्रभक्ति व्यक्त कर रहे थे। मुझे भाई गोविंद गजब जी को सुनकर रामकिशोर तिवारी की कुछ पंक्तियां याद आईं कि बढ़ते ही गए कदम आगे बलिदानी तेवर रुके नहीं, बढ़ते ही गए कदम आगे बलिदानी तेवर रुके नहीं, इंच इंच कट गए मगर तोपों के आगे झुके नहीं। और वर्णन करना आसान नहीं हर शब्द यहाँ पर बौना है, वर्णन करना आसान नहीं हर शब्द यहाँ पर बौना है। और बलिदान स्वयं का कर देना बच्चों का नहीं खिलौना है, बलिदान स्वयं का कर बच्चों नहीं खिलौना है। गोविंद जी को। और इसी क्रम में हमारे भाई सुतोष संघर्षी हमारे बीच में है, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और भाई सुतोष संघर्षी से अनुरोध करते हैं कि अपनी कविताओं से सभी को परिचित। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करता हूँ, S7 न्यूज के समस्त दर्शकों को मेरा बहुत बहुत अभिवादन प्रणाम। आज हम लोग इस स्वतंत्रता दिवस की पावन वेला पर काव्योत्सव कार्यक्रम मना रहे हैं, तो आइए कुछ देश की बात करता हूँ। स्वागत है भाई, स्वागत। चार पंक्तियाँ उसके लिए पढ़ता हूँ जिसने मुझको जन्म दिया। स्वागत। कि करता हूँ मैं उसकी पूजा, करता हूँ मैं उसकी पूजा जिसकी कहीं कोई मूरत नहीं है। करता हूँ मैं उसकी पूजा जिसकी कहीं कोई मूरत नहीं है। उसी निश्चल उसी मासूम, उसी निश्चल उसी मासूम दुनिया की कोई सूरत नहीं है। उसी निश्चल उसी मासूम दुनिया की कोई सूरत नहीं है। और नहीं जाता नहीं जाता मैं किसी मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा, नहीं जाता मैं किसी मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा, जब मेरी माँ घर पर है तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब मेरी माँ घर पर है तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों अभी हम लोगों ने कुछ दिनों पहले सावन का पूरा एक महीना मनाया, सावन का पूरा एक महीने का पूरा पर्व मनाया। इस सावन हम लोगों को क्या मिला है, मैं चार पंक्तियां निवेदित करता हूं। स्वागत 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 भाई, स्वागत। भोले बाबा ने हम लोगों को क्या दिया है, चार पंक्तियां देखिएगा।
कि सावन में भारत माता को वरदान दिया है भोले ने, सावन में भारत माता को वरदान दिया है भोले ने, भारत माता पर मिटने वाली संतान दिया है भोले ने, सावन में भारत माता को वरदान दिया है भोले ने, भारत माता पर मिटने वाली संतान दिया है भोले ने, और भारत माँ के आंचल को, भारत माँ के आंचल को अब कोई छू ना पाएगा, भारत माँ के आंचल को अब कोई छू ना पाएगा, 56 इंची सीने वाला हनुमान दिया है, छप्पन इंची सीने वाला हनुमान दिया है भोले ने। और बहुत दिनों से विवाद चल रहा था धारा 370 का, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने धारा 370 हटाई। मैं अपने यशस्वी देश के प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और चार पंक्तियां पढ़ता हूं वहीं से कि साजिश सारी नाकाम हुई आतंकवाद के दफ्तर की, साजिश सारी नाकाम हुई आतंकवाद के दफ्तर की, ऐसा लगता याद दिला दी 65 और 71 की, साजिश सारी नाकाम हुई आतंकवाद के दफ्तर की, ऐसा लगता याद दिला दी 65 और 71 की, कोई कुछ ना समझ सका, कोई कुछ ना समझ सका आखिर क्या होने वाला, कोई कुछ ना समझ सका आखिर क्या होने वाला, मोदी जी ने वाट लगा दी धारा 370 की, मोदी जी ने वाट लगा दी धारा 370 की। अच्छा, और बहुत दिनों बाद हमारे लाल चौक पर कश्मीर में तिरंगा लहराया गया, मैं वहीं से चार पंक्तियां पढ़ता हूं और उस नापाक पाकिस्तान को वो संदेश देना चाहता हूं इन पंक्तियों के माध्यम से कि किशमिश जैसा मिला के तुमको खा जाएंगे खीर में, किशमिश जैसा मिला के तुमको खा जाएंगे खीर में, जितनी धार लगा सकते हो लगा लो तुम शमशीर में, किशमिश जैसा मिला के तुमको खा जाएंगे खीर में, जितनी धार लगा सकते हो लगा लो तुम शमशीर में, 56 इंची सीने ने इतिहास बदल कर दिखा दिया, 56 इंची सीने ने इतिहास बदल कर दिखा दिया, अमर तिरंगा लहराएगा लाल चौक कश्मीर में, अमर तिरंगा लहराएगा लाल चौक कश्मीर में। और दोस्तों, हमारा देश बहुत ही विसंगतियों से गुजर रहा है, आज देश को किन लोगों की जरूरत है, मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं और आप सभी का आशीष चाहता हूं। स्वागत है, स्वागत कि अमर शहीदों की कुर्बानी का गान बचाने आ जाओ, अमर शहीदों की कुर्बानी का गान बचाने आ जाओ, बिलख रही भारत माता का, बिलख रही भारत माता का सम्मान बचाने आ जाओ, अमर शहीदों की कुर्बानी का गान बचाने आ जाओ, बिलख रही भारत माता का सम्मान बचाने आ जाओ, शेखर सुभाष अस्फाक भगत, शेखर सुभाष अस्फाक भगत तुम सबकी हमें जरूरत है, शेखर सुभाष अस्फाक भगत तुम सबकी हमें जरूरत है, ले अवतार धरा पर प्यारा हिंदुस्तान बचाने आ जाओ, ले अवतार धरा पर प्यारा हिंदुस्तान बचाने आ जाओ। बहुत अच्छा। और कुछ छंदों के माध्यम से कुछ बात अपनी करना चाहता हूं। स्वागत भाई, स्वागत। एक छंद देश में आप देख ही रहे हैं कि लगातार रेप बलात्कार ऐसी घटनाएं आ रही हैं, तो वहीं से एक महाभारत से एक छंद देता हूं और आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूं। स्वागत, स्वागत। कि रख दिया पार्थ ने गांडियू यदि हाथ से तो, कि रख दिया पार्थ ने गांडियू यदि हाथ से तो, कौरवों के सैनिकों के बाज कौन रोकेगा। अच्छा, कि रख दिया पार्थ ने गांडियू यदि हाथ से तो, कौरवों के सैनिकों के बाज कौन रोकेगा, और भीम की गदानी यदि फाड़े नहीं हरिवक्ष, भीम की गदानी यदि फाड़े नहीं हरिवक्ष, धर्म पर अधर्म का राज कौन रोकेगा, भीम की गदानी यदि फाड़े नहीं हरिवक्ष, धर्म पर अधर्म का राज कौन रोकेगा, और बीच सभा में यदि पंचाली नग्न होती रही, बीच सभा में यदि पंचाली नग्न होती रही, वहसी दुशासन के काज कौन रोकेगा, बीच सभा में यदि पंचाली नग्न होती रही, वहसी दुशासन के काज कौन रोकेगा, और चीर को बचाने यदि चीर को बचाने यदि श्याम नहीं आएंगे तो, चीर को बचाने यदि श्याम नहीं आएंगे तो, लुट रही द्रौपदी की लाज कौन रोकेगा, चीर को बचाने यदि श्याम नहीं आएंगे तो, लुट
रही द्रौपदी की लाज कौन रोकेगा। बहुत अच्छा। कि सिंघनी के गेसुओं में, सिंघनी के गेसुओं में सोने लगे शेर यदि, कि सिंघनी के गेसुओं में सोने लगे शेर यदि, गीदड़ों का जंगलों में राज कौन रोकेगा। कि सिंघनी के गेसुओं में सोने लगे शेर यदि, गीदड़ों का जंगलों में राज कौन रोकेगा। और देश के ही आका, देश के ही आका यदि मौन व्रत धार लेंगे, देश के ही आका यदि मौन व्रत धार लेंगे, नफरत की उठी आवाज कौन रोकेगा। और चल रहे खड़यंत्र भारत को बांटने के, पड़ रही फूट के रिवाज कौन रोकेगा। चल रहे खड़यंत्र भारत को बांटने के, पड़ रही फूट के रिवाज कौन रोकेगा। आप और हम यदि एक ना हुए तो फिर, आप और हम यदि एक ना हुए तो फिर, गिरने से भारती का ताज कौन रोकेगा। अच्छा, आप और हम यदि एक ना हुए तो फिर, गिरने से भारती का ताज कौन रोकेगा। और चार पंक्तियां इस अपने भारतवर्ष के लिए समर्पित करना चाहता हूँ। कि आन मान शान पर, आन मान शान पर आए कभी बात यदि, कि आन मान शान पर आए कभी बात यदि, अपनी हथेलियों में जान रखते हैं हम। कि आन मान शान पर आए कभी बात यदि, अपनी हथेलियों में जान रखते हैं हम। और सौर शक्ति साधना से, सौर शक्ति साधना से रचते हैं इतिहास, सौर शक्ति साधना से रचते हैं इतिहास, सबसे अलग पहचान रखते हैं हम। और शेखर सुभाष अस फाक वाला खून है ये, शेखर सुभाष अस फाक वाला खून है ये, रंग दे बसंती चोला गान रखते हैं। शेखर सुभाष अस फाक वाला खून है ये, रंग दे बसंती चोला गान रखते हैं हम। और गान वंदे मातरम, गान वंदे मातरम गाते सभी शान से, गान वंदे मातरम गाते सभी शान से, दिल में सदैव हिंदुस्तान रखते हैं। गान वंदे मातरम गाते सभी शान से, दिल में सदैव हिंदुस्तान रखते हैं हम। और दोस्तों अब जो मैं विषय उठाने जा रहा हूं, लगातार सरहद पर गोलीबारी हो रही है, लगातार हमारे देश के सैनिक शहीद होकर आ रहे हैं, और हर बार सरकार से पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है, तो बस यही कहते हैं कि इस घटना की हम कड़ी निंदा करते हैं। मैं वहीं से पंक्तियां उठाता हूं और आप सभी देशवासियों का समर्थन चाहता हूं। मैं भी एक सैनिक परिवार से हूं। जब एक सैनिक का शव आता है तो क्या बीतती है, स्वागत क्या आम जनमानस कहना चाहता है, मैं वहीं से पढ़ना चाहता हूं। कि दिल्ली संयम बरत रही है आतंकी विस्फोटों पर, दिल्ली संयम बरत रही है आतंकी विस्फोटों पर, देखो गोली बरस रही है भारत माँ के बेटों पर, दिल्ली संयम बरत रही है आतंकी विस्फोटों पर, देखो गोली बरस रही है भारत माँ के बेटों पर, जब जब हमला होता है बेटे ही गोली खाते हैं, जब जब हमला होता है बेटे ही गोली खाते हैं, दिल्ली वाले तो दिल्ली में बस बैठे बाप बनाते हैं, दिल्ली वाले तो दिल्ली में बस बैठे बाप बनाते हैं, भारत माँ का हस्त देख मनाज बहुत शर्मिंदा है, भारत माँ का अपने पहरेदारों को। सैनिक सेना का सबसे बड़ा दर्द बताना चाहता हूँ, क्यों छूट नहीं दे देती दिल्ली अपने पहरेदारों को, गोली दी हथियार दिए, गोली दी हथियार दिए पर नहीं कभी आदेश दिया, गोली दी हथियार दिए पर नहीं कभी आदेश दिया, सैन्य सुरक्षा के हाथों में नहीं कभी क्यों देश दिया, सैन्य सुरक्षा के हाथों में नहीं कभी क्यों देश दिया, बार बार की हरकत से, बार बार की हरकत से क्यों सीख नहीं लेते हो तुम, बार बार की हरकत से क्यों सीख नहीं लेते हो तुम, गोली का उत्तर गोली से बोलो क्यों नहीं देते हो, गोली का उत्तर गोली से बोलो क्यों नहीं देते हो तुम, शांत सुलह का राग हमें तुम कब तक और सुनाओगे,
सुनाओगे? शांत सुलह का राग हमें तुम कब तक और सुनाओगे? गीतन भक्ति से बोलो तुम कब तक काम चलाओगे? शांत सुलह का राग हमें तुम कब तक और सुनाओगे? गीतन भक्ति से बोलो तुम कब तक काम चलाओगे? कुछ सियार जैसे आतंकी सिंहों पर कर वार गए, भारत माँ के बेटों को ही घर में घुस कर मार गए। भारत माँ के बेटों को ही घर में घुसकर मार गए। माना हमने भी मारा है उनके चंद लुटेरों को, पर बदले में बोलो हमने खोया कितने शेरों को। पर बदले में बोलो हमने खोया कितने शेरों को। सेना को आदेश करो सिंहों की जात खाने दो। गीदड़ भक्ति नहीं सहेंगे ये औकात बताने दो। घाटी लाल हुई है फिर से अभी और भी हमले होंगे। हर बार यही निंदा होगी हर बार यही जुमले होंगे। नापाक इरादों सेमा का आंचल दागी हो जाएगा। बार बार अगर हमला होगा सैनिक बागी हो जाएगा। पहले गद्दार मिटाओ घर के मिटा दो दहशतगर्दों को। जहां मिले वही ठोक दो बिन बिन करना मर्दों को। उत्तर देता है संघर्षी कान खोल कर सुन लो तुम। संसद में 100 सियार से अच्छा 10 शेरों को चुन लो तुम। संसद में 100 सियार से अच्छा 10 शेरों को चुन लो तुम। मसला हल हो जाता पल में इन आतंकी विस्फोटों का कटा शीस यदि आया होता मंत्री जी के बेटों का। जिंदाबाद। कटा शीस यदि आया होता मंत्री जी के बेटों का। नमन कलम करती वीरों को जो अरिको धूल चटाते हैं माँ की लाज बचाने में, जो अपना शीश कटाते हैं। भारत के वीर सपूतों का मिलकर सब सम्मान करो। भारत माँ को अर्पित तन मन धन प्राण करो। मुझे माफ करना यारो पर मेरी भी मजबूरी है। स्वर बगावती बोल गया हूँ पर लिखना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा। और दोस्तों अपने काव्य पाठ के अंत में कौमी एकता के नाम 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, वहीं से अपने काव्य पाठ को विराम दूंगा कि इस धरती पर आकर ही कोई हिंदू कोई मुसलमान बना। लोग हम लोगों को मजहब के नाम पर बुलाते हैं, अपना वोट बैंक सीधा करते हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं इस कौमी एकता के नाम, इस भारत देश के नाम। स्वागत। इस धरती पर आकर ही कोई हिंदू कोई मुसलमान बना, कोई बना है ईसा मसीह कोई गुरु नानक सा महान बना। इस धरती पर आकर ही कोई हिंदू कोई मुसलमान बना, कोई बना है ईसा मसीह कोई गुरु नानक सा महान बना। मत बांटो तुम हम लोगों को मजहब की दीवारों में। हम लोगों से ही मिलकर तो प्यारा हिंदुस्तान। बहुत बहुत आभार ऐसे वीडियोज का। जय हिंद जय हिंद। बहुत थे तो शासन को आईना दिखाने का काम कर रहा था कि अगर आप हमारे से राजनीति करेंगे तो एक कलमकार अपनी कलम के माध्यम से निश्चित रूप से और ये काम हमारे संघर्षी कर रहे हैं। और सबसे बहुत बहुत धन्यवाद देश से
उसका भी, क्योंकि कवियों की टीम के साथ में उत्सव पर आमंत्रित की है, तो मैं सभी दर्शक और श्रोताओं से एसएमए न्यूज को फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब जहां जहां भी आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं लोग जुड़े, ज्यादा इसको सब्सक्राइब करें, जुड़े। आइए मैं अगले क्रम में हमारे इस भाई संतोष दीक्षित जो युवा रचनाकार हैं और युवा रचनाकार होने के साथ साथ बहुत कम उम्र के बड़े रचनाकार हैं, उन्हें मैं बड़े सम्मान से आमंत्रित करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और उनसे चाहता हूं कि आज की इस काव्य उत्सव को उत्सव में तब्दील करें। भाई संतोष दीक्षित, बहुत बहुत आभार आपका योगेंद्र जी। सबसे पहले मैं S7 न्यूज की समस्त टीम को और S7 न्यूज के समस्त श्रोताओं के साथ साथ संपूर्ण भारतवर्ष के नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूं और सभी को प्रणाम करता हूं। आज 15 अगस्त का दिन है, स्वतंत्रता दिवस की पावन बेला है। यद्यपि हम हमेशा अपने देश के सैनिकों को, वीरों को याद करते हैं, परंतु आज का दिन विशेष रूप से उन्हीं को समर्पित होता है, क्योंकि उन्हीं के त्याग, उन्हीं के बलिदान की बदौलत ही आज हम लोग इस स्वतंत्र देश में निवास कर पा रहे हैं, स्वतंत्रता से रह पा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं अपने देश के वीरों, शहीदों, क्रांतिकारियों को समर्पित एक मुक्तक से अपने कार्यपाठ की शुरुआत करूं। स्वागत, तो मैं अपने देश के वीरों, स्वागत है, स्वागत अपने देश के वीरों के शहीदों के चरणों में एक मुक्तक समर्पित करता हूं। स्वागत सुनिएगा। कि जिनके सोनित से सिंचित हुआ ये चमन, जिनके सोनित से सिंचित हुआ ये चमन, जिनके दम से है आजाद अपना वतन, और राष्ट्रहित, राष्ट्रहित जो स्वयं को हवन कर गए, राष्ट्रहित जो स्वयं को हवन कर गए, उन शहीदों को करता हूँ सत सत नमन, उन शहीदों को करता हूँ नमन, उन शहीदों को करता हूँ सत सत नमन। और मेरा मन है उस वीरांगना को नमन करने वाला, जो वीरांगना त्याग एवं बलिदान की प्रतिमूर्ति है, अपने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने का, अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के न जाने असंख्य उदाहरण हमारे देश में मिलेंगे, क्योंकि हमारे देश की तो परिपाटी रही है अपने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देने की, परंतु अपने राष्ट्र के लिए अपने प्यारे पुत्र के प्राणों का बलिदान करने का उदाहरण संपूर्ण विश्व में सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ही मिलता है, और वो उदाहरण होता है हमारे भारतवर्ष के राजस्थान के मेवाड़ की चित्तौड़गढ़ की मां पन्नाथाई, जिसने अपने राष्ट्र की बलिवेदी पर अपने पुत्र के प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, उसका हवन कर दिया। तो मैं उस वीरांगना पन्नाथाई की गौरव गाथा इस S7 न्यूज के माध्यम से आप लोगों तक संप्रेषित करना चाहता हूँ। स्वागत, मैं कविता पढ़ता हूँ, सुनिएगा और अपने देश की स्वागत। कहानी आज पन्ना की मैं तुम सबको सुनाता हूँ, कहानी आज पन्ना की मैं तुम सबको सुनाता हूँ, उस वीरांगना का आज फिर से गीत गाता हूँ। चित्तौड़ में रहती थी जो एक वीर दासी थी, चित्तौड़ में रहती थी जो एक वीर दासी थी, धाय होकर भी कुंवर के हेतु मासी थी, सांगा का था छोटा सुत उदय सिंह नाम था उसका, उसी के ख्याल में पागल यही बस काम था उसका, उसी की सेवा में तत्पर, उसी की सेवा में तत्पर सदा रहती थी निष्वासर, वही था देवता मंदिर वही हर धाम था उसका, वही था देवता मंदिर वही हर धाम था उसका। यह बात है उस रात की चमकौर उत्सव था, यह बात है उस रात की चमकौर उत्सव था, बनवीर ने उस रात रचवाया महोत्सव था, उदय सिंह खेल कर थकार कर दौड़ा हुआ आया, आते ही माँ ने प्यार से बेटे को दुलराया, उदय सिंह माँ से बोला माँ मुझे उत्सव में जाना है, सभी जन कह रहे होता वहाँ पर नाच गाना है, पन्ना पन्ना बोली मेरे लाल, पन्ना बोली मेरे लाल,
भोजन करके सो जाओ, बड़ी है रात काली आज, बाहर अब नहीं जाओ। कुंवर तब रूठ कर बोला नहीं भोजन नहीं लूंगा, तलवार ही खोलूंगा ना सैया पे सोऊंगा। वह अपने लाल के इस हाल पर कोई भी विस्मित सी, क्योंकि कुंवर उदय सिंह कभी भी अपनी माँ से जिद नहीं करते थे, परंतु आज जब उन्होंने जिद की तो पन्नाधाय विस्मय में पड़ गई। तो वो तभी मैं कहता हूँ, वो अपने लाल के इस हाल पर खोई थी विस्मित सी, तभी वह सामली परिचारिका आई थी चिंतित सी, बिलख कर धाय से बोली कुंवर की जान खतरे में, वतन की लाज रख ले माँ, वतन की आन खतरे में। बहुत अच्छे संतोष कुंवर की जान लेने को अभी बंधीर आएगा। क्यों थी जान खतरे में? कि कुंवर की जान लेने को अभी बंधीर आएगा, बने सब दास हैं उसके न कोई रोक पाएगा। तभी पैरों की आहट ने था उनका ध्यान भरमाया। विस्मय से उधर देखा तो कीरत बारी था आया, पन्ना ने कहा कीरत तुम ये बतलाओ, तुम्हें है नेह कितना निज कुंवर से ये तो समझाओ। वह बोला मैं कुंवर के हित में जा कुर्बान कर दूंगा, वतन की लाज रखने को लहू का दान कर दूंगा, वतन की लाज रखने को लहू का दान कर दूंगा। पन्ना ने कहा कीरत तुम्हारे बलिदान का, तुम्हारे रक्त के दान का अवसर आज आया है, आज राष्ट्र को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे बलिदान की जरूरत है। तब वो कहती है, पन्ना ने कहा कीरत अवसर आज आया है, कुंवर की जान खतरे में वह सिर पर काल छाया है, और कुंवर को टोकरे में ले तुझे बाहर को जाना है, भंवर में है फंसी नैया तुझे उसको बचाना है, कुंवर को लेकर कीरत जब महल के पार जाता है। कविता सुनिएगा और गर्व कीजिएगा, कुंवर को लेकर कीरत जब महल के पार जाता है, तभी पन्ना के मन में एक सहसा ख्याल आता है, और क्या ख्याल आता है? तभी पन्ना के मन में एक सहसा ख्याल आता है कि बनवीर के आने पे उसको क्या बताऊंगी, कुंवर जब है नहीं तो फिर उसे मैं क्या दिखाऊंगी। तभी फटती है छाती उसकी एक सैलाब उठता है, और वतन की लाज रखने को तभी वह भाव जगता है, और क्या भाव जगता है? कि वतन के यज्ञ में मैं आज सुख समिधा जलाऊंगी। और लहू चंदन का देकर राष्ट्र को चंदन लगाऊंगी, सिसक कर मन में वह बोली मैं कैसा गुल खिलाऊंगी, मैं अपने लाल को ही आज चिरनिद्रा सुलाऊंगी, मैं हूँ एक सरफणी जो आज अपना लाल खाऊंगी, मिलेगा जब वो ऊपर तो मैं उसको क्या बताऊंगी। भगवान तुम क्षमा करना मैं अपराध करती हूँ, वतन की आज वेदी पर मैं अपना लाल धरती हूँ। जिंदाबाद संतोष भाई, बहुत अच्छा। कुंवर की सोनी सैया पर सुख चंदन सुलाती है, स्वागत। कुंवर की सोनी सैया पर सुख चंदन सुलाती है, रह रह चूमती माथा सिसक आंसू बहाती है, तभी पैरों की आहट होती है, बनवीर आता है, वो आंसू देख पन्ना के नयन में मुस्कुराता है, कहता है वो पन्ना से कि पन्ना तुम ये बतलाओ, कुंवर से है मुझे मिलना, उसे तुम पास ले आओ, तुझे जागीर दे दूंगा कुंवर की जान के बदले। वो माँ पन्ना धाय को जो है लालच देता है, कहता है कि तुझे जागीर दे दूंगा कुंवर की जान के बदले, तौलूंगा तुझे धन से मेरी यदि बात तू रख ले। पन्ना ने कहा
पन्ना की बात सुनेगा क्या जवाब देती है पन्ना? पन्ना ने कहा मैं धाय हूँ एक राजपूतानी। पन्ना ने कहा मैं धाय हूँ एक राजपूतानी, प्रथा जिनकी सदा से ही रही है वीर बलिदानी। गुण होता नहीं व्यापार का वीरांगनाओं में, गुण गुण होता नहीं व्यापार का वीरांगनाओं में। वो चढ़ती है सदा रणभूमि में या फिर चिताओं में, वो चढ़ती है सदा रणभूमि में या फिर चिताओं में। वह अपने देश के हर शत्रु का संहार करती है, वह अपने देश के हर शत्रु का संहार करती है। इतना बोल कर में ले कटारी वार करती है, बढ़ाकर ढाल आगे वार को बेकार करता है। बढ़ाकर बढ़ाकर ढाल आगे वार को बेकार करता है। फिर मद में वह हंसता हुआ पन्ना से कहता है कि नारी यदि न तू होती, नारी नारी यदि न तू होती, दुधारा पार कर देता तेरे इस वार के बदले, तेरा संहार कर देता। नारी पर उठाना हाथ मेरे धर्म से बाहर, करूंगा वध अगर तेरा, कहेंगे सब मुझे कायर। माँ बनवीर से बोली, माँ बनवीर से बोली अरे धिक्कार है तुझको, माँ बनवीर से बोली अरे धिक्कार है तुझको, बातें धर्म की करने का क्या अधिकार है तुझको। तू कायर नीच पापी है नराधम कर्म है तेरा, तू कायर नीच पापी है नराधम कर्म है तेरा। मारा सुप्त राणा को यही क्या धर्म है तेरा, मारा सुप्त राणा को यही क्या धर्म है तेरा। बनवीर जब माँ पन्ना धाय के पास आता है, उससे पहले ही वो कुंवर उदय सिंह के चाचा राणा जो उस समय सो रहे थे, सोते समय उनका वध कर देता है। और सोते समय किसी का वध करने वाला व्यक्ति कितना कायर होगा, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। तभी पन्ना माँ पन्ना धाय ने कहा तू कायर नीच पापी है नराधम कृत्य है नराधम कर्म है तेरा, और मारा सुप्त राणा को यही क्या धर्म है तेरा। वो खींच जाता है और माँ पन्ना को धक्का देकर आगे बढ़ जाता है। वो धक्का देकर पन्ना को पलंग के पास जाता है, वो धक्का देकर पन्ना को पलंग के पास जाता है, और चंदन को समझ करके कुंवर माँ मुस्कुराता है। क्योंकि कुंवर की सैया में माँ पन्ना धाय ने चंदन को लिटा दिया था, तो वो चंदन को कुंवर समझता है। और आगे मैं कविता के माध्यम से वर्णन करता हूँ। चंदन को समझ करके कुंवर वह मुस्कुराता है और तलवार लेकर हाथ में एक वार करता है, तलवार लेकर हाथ में एक वार करता है। कोमल से बदन में वह दुधारा पार करता है, देख कर वह दृश्य माता कांप जाती है, देख कर वह दृश्य माता कांप जाती है, असीमित दर्द की गहराइयों को नाप जाती है। माना माना वीर नारी थी, माना वीर नारी थी, परिकमा भी तो थी पन्ना, माना वीर नारी थी, परिकमा भी तो थी पन्ना, किया बलिदान उसका था जो उसकी भोख से जन्मा। लहू लहू निज सुख का देखा तो उसे वह सह नहीं पाई, लहू निज सुत का देखा तो उसे वह सह नहीं पाई, और गिरी मूर्छित हो अवनी पर खड़ी वह रह नहीं पाई, गिरी मूर्छित हो धरती पर खड़ी वह रह नहीं पाई। कहानी है उस माँ की जो थी एक वीर मर्दानी, उससे बड़ा वीर कौन हो सकता है जो अपने राष्ट्र के लिए अपने पुत्र के प्राणों का उत्सर्ग कर दे। कि कहानी है ये उस माँ की जो थी एक वीर मर्दानी, कहीं जग में न जन्मी और ऐसी मात बलिदानी, जो कुल दीपक बुझाकर, जो कुल दीपक बुझाकर राष्ट्र का दीपक जलाती है, जो कुल दीपक बुझाकर राष्ट्र का दीपक जलाती है, और लहू चंदन का देकर राष्ट्र को चंदन लगाती है, लहू चंदन का देकर राष्ट्र को चंदन लगाती है। और अंत में बस इतना कहना है कि चित्तौड़ की माटी के कणकण को नमन मेरा, चित्तौड़ की माटी के कणकण को नमन मेरा, माने जो किया था उस कठिन प्रण को नमन मेरा, टोकरी वाले नमन कीरत को है मेरा, सामली की उच्च सीरत को नमन मेरा, नमन मेरा है चंदन के बहे दिव्य सोनित को, नमन नमन मेरा है चंदन के बहे दिव्य सोनित को, उस वीर माता की चरण रज को नमन मेरा, उस वीर माता की चरण रज को नमन मेरा, उस वीर माता की चरण रज को नमन नमन मेरा। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत माता। और इसके बाद मैं आज के संचालक हमारे भाई योगेंद्र सिंह जी को आमंत्रित करना चाहता हूं, भाई वाईपी सिंह जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। चार पंक्तियां अपनी ही मैं आपको समर्पित करता हूं कि सब धर्मों का मान तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगे के नाम चार पंक्तियां, कि सब धर्मों का मान तिरंगा जिंदाबाद,
गीता और कुरान, तिरंगा जिंदाबाद, सब मिलकर बोले भारत माता की जय। सवा अरब की शान, तिरंगा जिंदाबाद, सवा अरब की शान, तिरंगा जिंदाबाद। भाई योगेंद्र सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः सभी का स्वागत। स्वतंत्रता दिवस की बधाई और एसएबी न्यूज को बहुत बहुत आभार इस युवा टीम के द्वारा। आज के शाम का उत्सव में एक सुंदर उत्सव आयोजित करने के लिए आइए, मुझे कवि सम्मेलन की कविता पाठ के लिए आदेशित किया गया है, तो मैं उस क्रम में हूँ। आज स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त है, इसको हम लोग एक पर्व के रूप में मनाते हैं, तो कवि इसको किस दृष्टि से देखता है, चार पंक्तियां देखें। जी स्वागत है। कि वीरों का आज कैसे बलिदान खो गया है, वाह वाह वाह। वीरों का आज कैसे बलिदान खो गया है, पौरुष भी आज इनका एक और सो गया है, पौरुष भी आज शायद एक और सो गया है। बलिदान और पौरुष की ही वजह से तो ये, बलिदान और पौरुष की ही वजह से तो ये 15 अगस्त का दिन त्योहार हो गया है, 15 अगस्त का दिन त्योहार हो गया है। जगह जगह देखते हैं कि शहीदों की याद में स्मारक बना दिए जाते हैं। एक कभी उन शहीदों के स्मारक को किस दृष्टि से देखता है, कभी की नजरिए से वो शहीद स्मारक क्या है। जी चार पंक्तियां देखें। स्वागत। कि गई जान गर हमारी तो इसका भी गम नहीं है, गई जान गर हमारी तो इसका भी गम नहीं है, हमको झुका सके ये हुकूमत में दम नहीं है, हमको झुका सके ये हुकूमत में दम नहीं है। पूजा किया करो तुम शहीदों के दर पे जाके, पूजा किया करो तुम शहीदों के दर पे जाके, स्मारक शहीदों के ये किसी मंदिर से कम नहीं है, स्मारक शहीदों के ये किसी मंदिर से कम नहीं है। अभी अटल जी की पुण्यतिथि हम लोग बार बार याद करते हैं। वास्तव में वो ऐसे राजनेता थे कि मैं समझता हूँ कि किसी भी पार्टी, किसी भी दल का व्यक्ति हो तो दल और पार्टी से ऊपर उठकर उनका सम्मान करता है। तो जब वो नहीं रहे तो मैंने चार पंक्तियां कही, मुझे लगता है कि चार पंक्तियों में मैंने काफी कुछ बड़ी बात कहने की कोशिश की। देखें मैं रखता हूँ। मैंने अटल जी के लिए कहा कि सूखी हुई जड़े हैं जलधार लेके आओ, मझधार में वतन है पतवार लेके आओ, मझधार में वतन है पतवार लेके आओ। भारत का बच्चा बच्चा रो रो के कह रहा है, भारत का बच्चा बच्चा रो रो के कह रहा है कि प्यारे अटल बिहारी अवतार लेके आओ, कि प्यारे अटल बिहारी अवतार लेके आओ। अभी हमारे संतोष जी ने सैनिकों की बहुत सारी बात की, मैं चार पंक्तियों में तमाम लोग सैनिक से सबूत मांगने लगते हैं। सैनिक देश का रक्षक है और जो रक्षक होता है उससे सबूत मांगने का अधिकार किसी को नहीं। रक्षक या तो ईश्वर है या तो इस भौतिक संसार में हमारा सैनिक है। तो जो लोग सबूत मांगते हैं, मैंने चार पंक्तियों में उनको जवाब देने की कोशिश की। देखें कि कोई भी नेता सैनिक के बलिदान से ऊपर नहीं है, कि कोई भी नेता सैनिक के बलिदान से ऊपर नहीं है। याद रखना हमारा एक भी जवान कायर नहीं है, याद रखना हमारा एक भी जवान कायर नहीं है। और सैनिकों से सबूत मांगने वालों अवकात में रहो,
सैनिकों से सबूत मांगने वालों औकात में रहो, सैनिक देश का रक्षक है, तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है। सैनिक देश का रक्षक है, तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है। आइए, आज स्वतंत्रता दिवस की शाम यह कार्यक्रम आयोजित है, तो एक रचना है हमारी जिसमें सैनिकों का दर्द है, जिस समय हमारे देश का जवान सीमा पर खड़ा होता है, तो उस समय एक समय का एक चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। जब दुश्मन को देखता है तो उसकी क्या क्रिया प्रतिक्रिया होती है, छोटी सी रचना, उसके बाद में अपने काव्यपाठ को विराम दूंगा। कि तनकी बोटी बोटी जो बलिदान वतन पर करते हैं, अपने शोणित के झरनों से नदियों को जो भरते हैं, भारत माँ की वेदी पर जो अपना रक्त चढ़ाते हैं, दुश्मन की गोली के आगे अपना वक्ष अड़ाते हैं, वतन की खातिर हंसकर सहते, वतन की खातिर हंसकर सहते जो दुश्मन के प्रतिघातों को, मेरी कलम नमन करती है बस उनके जज्बातों को, मेरी कलम नमन करती है बस उनके जज्बातों को। छोड़ गए जो माता पिता को, छोड़ के जो परिवार गए, भारत माँ को पड़ी जरूरत, खुद को जाकर वार गए, अपना शीश जमी में बोया, माँ का ऊंचा भाल किया, लहू बहाया अपने तन का सारी घाटी लाल किया, बलिदानों से कर डाला है जिसने प्रकाश मै रातों को, मेरी कलम नमन करती है बस उनके जज्बातों, मेरी कलम नमन करती है बस उनके जज्बातों। दुश्मन पर नजर पड़ी जैसे वे अनायास हुंकार उठे, गर्जे शेरों की तरह और वे दुश्मन को ललकार उठे, भुजदंड जवानों के फड़के रण चंडी ने मुंह फैलाया, दुश्मन को देख जवानों के नैनों में खून उतर आया, पहाड़ नाखूनों से काटा, सहा मौसम के आघातों को, मेरी कलम नमन करती है बस उनके जज्बातों को। इस कविता की अंतिम पंक्तियां कि तड़ 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 गोली चलती है, लाशों पर लाशें गिरती हैं, आंखों में लावा फूट पड़ा, संगीने आग उगलती हैं, कदम नहीं डगमग होते, आगे ही बढ़ते जाते हैं, गोली सीने पर खाकर भी दुश्मन को मार गिराते हैं, और वहां गोलियों को सहते यहां गद्दारों की बातों को, मेरी कलम नमन करती है बस उनके जज्बातों, मेरी कलम नमन करती है बस उनके जज्बातों को। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। और पुनः मैं S7 न्यूज को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत आभारी हूं कि इतना खूबसूरत विचार इनके मन में आया कि आज स्वतंत्रता दिवस की शाम हम युवा कवियों के माध्यम से काव्य उत्सव आयोजित करें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं S7 न्यूज के लिए, और सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप जहां जहां भी जिस माध्यम से फेसबुक यूट्यूब व्हाट्सएप जिस माध्यम से जुड़ सकते हैं आप S7 न्यूज से जुड़े। बहुत बहुत पुनः धन्यवाद।